बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अब पीछे नहीं हैं। ग्रामीण अंचल में प्राथमिक स्तर पर भी वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाली ऐसी ही छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। हम बात कर रहे हैं पिसावा के जयसवाल एजुकेशन एकेडमी की, जहां वार्षिक परीक्षा में कक्षा एक की छात्रा उम्मे अफीफा ने 98.0% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी स्कूल की कक्षा 6 की छात्रा कामिनी देवी ने 97.66, द्वितीय और कक्षा 5 की छात्रा रक्षा सिंह ने 95.88% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर कब्जा जमाया है। मंगलवार को विद्यालय में प्रमाण पत्र वितरण के दौरान छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान पाने वाली उम्मे अफीफा को 8,400, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कामिनी को 7,200 और तीसरे स्थान पर रही छात्रा रक्षा को 4,800 रुपये का चेक प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रदान करने की मंशा जाहिर करते हुए प्रधानाध्यापक शुभम जयसवाल आइंडिया से क्या बोले, आप भी सुनिए। मेरा नाम शुभम जयसवाल है, मैं जयसवाल एजुकेशनल अकेडमी का प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, आई इंडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मेरे स्कूल में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे स्कूल के 3 बच्चे, जो कि तीनों ही गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, उन्होंने टॉप किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लोग कभी ये ना सोचें कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ सबसे आगे बढ़ सकती हैं। और जीता जागता है एग्जाम्पल हमारी आज की ये बच्चियाँ हैं, जिनको जो फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट पोजीशन जिस बच्चे को मिली है उसको 8,400 रुपये हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से, विद्यालय की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा है। सेकंड पोजीशन को 7,200 रुपये दिया जा रहा है इनाम के तौर पे और थर्ड पोजीशन को 4,800 रुपये दिया जा रहा है। ये सिर्फ पैसे नहीं है, इसको आप रुपये से मत देखिए, ये है एक पॉजिटिव मैसेज। क्योंकि गाँव में कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जबकि लड़कियां आज के टाइम में हर जगह सबसे आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाएं, और हम सब यहां मौजूद हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। धन्यवाद। विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों के अभिभावक भी काफी गदगद हैं। अभिभावक मोहम्मद शमीम खां और धर्मेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए उसे भी सुन लेते हैं। मैं विद्यालय के सारे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बच्ची हमारी इतने दिन से पढ़ने आती थी, कभी इसका दिल यहाँ से घबराया नहीं। घर में किसी कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ जो है विद्यालय का स्टाफ जो है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है। सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम बहुत खुश हैं। बच्चे जो है कुछ अगर करना चाहें तो ऐसा वातावरण विद्यालय का मिले बच्चों के लिए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम विद्यालय के वातावरण से और विद्यालय के सहयोगियों से और इसके पूरे मैनेजमेंट से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत सब गुड टीचर्स। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक आशीष कुमार जयसवाल, छैला सिंह, प्रवीण सिंह, मुसूदुल हसन खान, अंसार खान, अंकित मिश्रा, लवप्रीत कौर, शालिनी अवस्थी, वैशाली सिंह, सूरज शुक्ला, निधि मिश्रा आदि मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।